अस्सलाम वालेकुम जी, एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। आज जो रेसिपी मैं बनाने लगा हूँ आप लोगों के लिए, एक साइड डिश है, नैंडो स्टाइल जलापेनो पॉपर्स। तो आइए इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स में जो है वो आपको मिर्च चाहिए, ये बड़ी वाली मिर्च है और ये इतनी जो है वो तुर्श नहीं होती। ये मैंने 9 ले ली है, तकरीबन आधा पाव कह लें। उसके बाद जो है वो आपको चिकन चाहिए। अच्छा, ये फिलिंग के लिए है, आप जो है वो कुछ भी फिलिंग कर सकते हैं, अपनी चॉइस है आपकी। मैंने चिकन लिया है और साथ में आपको चाहिए मोजरेला। ये मैंने मोजरेला को छोटे छोटे जो है वो स्ट्रिप्स में काट लिया है, ये फिलिंग के लिए हो गया। उसके बाद आपको चाहिए मैदा। मैदा क्यों चाहिए? मैदा आपने जो है वो कोटिंग में इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपको चाहिए दूध। ये मैंने दूध जो है वो तकरीबन 4 टेबलस्पून जो है वो ले लिया है, ये मिक्सचर बनाने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ब्रेड क्रम, क्योंकि ब्रेड क्रम की जो है वो आप उसके ऊपर कोटिंग करेंगे और आप इसको डीप फ्राई करेंगे। तो आइए उसके मेथड की तरफ चलते हैं। तो स्टेप वन में आपने क्या करना है, आपने जो है वो चिली को जो है वो काटना है। मेक श्योर करें कि आप जो है वो उसको ज्यादा ना काट लें। मैंने जो लास्ट टाइम, वैसे इस पे नहीं शेयर किया था, लेकिन लास्ट टाइम जो मैंने बनाई थी उस पे मैंने जो है वो ज्यादा काट लिया था, तो जो है वो मजा नहीं आया था। अच्छा, आपने काटना है और आपने इसके अंदर जितने भी बीज है ना उन सबको आपने निकाल लेना बाहर। मैक्सिमम जितने बीजेस आप निकाल सकते हैं निकाल लें, ताकि जो है जो कड़वाहट है वो जो है वो ना रहे। तो मैं बीज निकालता हूं, तो आपको आपसे फिर नेक्स्ट स्टेप में मुलाकात होती है। अब ये देखें, ये जो है वो मैंने इसमें से बीजेस निकाल ली हैं सब में से। अब मैं इसकी आपको फिलिंग करके बताता हूँ और फिर इसको कोट करने का बताता हूँ। तो अब हम चलते हैं फिलिंग की तरफ। तो मैं जो है वो इसको चिकन के साथ और चीज के साथ फिलिंग कर रहा हूँ, क्योंकि जो ट्रेडिशनल जो होती हैं पॉपर्स वो तो चिकन और चीज की होती हैं। तो इसमें जो है वो चीज की मैंने फिलिंग कर लिया और साथ में जो है वो मैं मोजरेला की जो है वो फिलिंग करता हूँ, ताकि जब भी आप इसको खाएंगे तो आपका जो टेस्ट है आपको वही मिलेगा। तो इसको करके अच्छे तरीके से आपने मोजरेला आपने जो है वो इसको अच्छी तरीके से सील कर देना है। मैं उतनी देर में जो है वो सारी सील करता, मतलब फिलिंग करता हूँ, फिर आपसे मुलाकात होती है। ये देखें, एक ये मैंने कर ली है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी ये ऑब्वियसली खुली रहेगी, लेकिन जो है वो ये देखें, ये पूरी बंद होगी, ठीक है। तो मैं ये फिलिंग करता हूँ तो फिर आपसे मुलाकात होती है।
तो ये देखें जो है वो मैंने सारी फिलिंग कर ली है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने ना इसकी कोटिंग बनानी है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा मैदा पहले से छिड़क लेंगे, ठीक है, ताकि जो है वो बैटर जो है वो आसानी से चढ़ जाए। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे, मिक्स कर लिया, ठीक है, थोड़ा सा और इस पे करके। अब इसकी हम जो है वो कोटिंग बनाएंगे। तो कोटिंग के लिए जो है वो आपका जो मैदा था और साथ में जो दूध था उसको हम मिक्स करेंगे, अभी आपको बताता हूँ नेक्स्ट स्टेप में। तो यहां पे जो है वो मेरे पास मैदा है और मेरे पास जो है वो दूध है। अभी थोड़ा सा मैं दूध डालूंगा। अब हमने बेसिकली हमने पेस्ट इसकी बनानी है, जो कि जैलपिनो के ऊपर जो है वो हम पेस्ट लगाएंगे और फिर उसको हम ब्रेड क्रम में डिप करेंगे। पहले थोड़ा सा दूध डालते हैं और इसको मिक्स करते हैं। पेस्ट जितनी आपकी थिक होगी उतनी जो है वो आपकी जो है वो अच्छी पेस्ट, मतलब अच्छा आपका जो बैटर है ना वो अच्छा बनेगा। अच्छा, आप जो है वो ये मैदे की पेस्ट की जगह जो है वो आप अंडा भी यूज कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। मैं थोड़ा सा इसमें और दूध डालता हूं। ज्यादा लिक्विड ही नहीं होनी चाहिए। ये देखें थोड़ी सी अब किस कंसिस्टेंसी जो है वो इसकी अच्छी हो रही है। इसमें थोड़ा सा और दूध डालूंगा ताकि जो है वो पेस्ट जो है वो मिक्स अच्छी तरीके से हो जाए। अच्छा, अब हमने करना क्या है, अब हमने जो है बेसिकली कोटिंग करनी है। और कोटिंग के लिए जो है वो आप एक चम्मच इस्तेमाल कर लें, ठीक है, और इसको जो है वो इस तरह कोट करते जाएं। इससे ये है कि आपकी कोटिंग जो है वो अच्छी कोटिंग हो जाएगी। आप हाथ से भी कर सकते हैं लेकिन आपकी जो फिलिंग है उसके निकलने के खतरात हैं। तो मैं इसको कोटिंग करके तो ब्रेड क्रम लगाता हूं, फिर आपसे नेक्स्ट स्टेप में मुलाकात होती है। मैंने कोटिंग तकरीबन कर ही ली है, ठीक है, अब इसको मैं ब्रेड क्रम में डिप करूंगा। और ब्रेड क्रम में आपने क्या करना है, ब्रेड क्रम आप जो है वो जिस हाथ से आपने उसको गीला किया है उस हाथ से नहीं करना, आपने बेसिकली उसके ऑपोजिट हैंड से, ताकि जो कोटिंग है वो अच्छे तरीके से हो जाए। ये देखें कोटिंग, तो जो है कोटिंग करने के बाद आपने इसको जो है वो 15 से 20 मिनट जो है वो फ्रीजर में रखना है और फिर आपको फ्राई के वक्त खाता हूं कि फ्राई किस तरह करना है। तो इसको मैं अब फ्रीजर में रखूंगा। अब यहाँ पे जो है वो मैं ऑयल को मीडियम हीट पे जो है वो गर्म कर रहा हूँ और मैं जो अपनी जलपिनो पॉपर्स हैं उनको मैं लेके आता हूँ और उनको मैं इसमें डिप करूंगा। अब ये देखें ये जो है वो हो गई हैं फ्रीज, तकरीबन 20 मिनट मैंने रखा है। अब इसको हम जो है वो ऑयल में हम करेंगे, मैं ये डालता हूँ, इतनी देर में आपसे मुलाकात होगी। ये देखें ये मैंने पॉपर्स डाल दी है। अब आपने इसको कम से कम 30 सेकेंड्स के बाद जो है वो आपने टर्न करना है जब एक साइड गोल्डन हो जाए, और टर्न आपने टोंग से करना है, उससे नहीं करना वरना आपकी कोटिंग उतर जाएगी। ये देखिए ये एक साइड जो है मुझे लग रहा है कि ये हो गई है, इसको आप टर्न कर लें, ठीक है। ये देखिए कितना प्यारा कलर आ गया, ये जबरदस्त। जबरदस्त कलर आ गया, ठीक है। ये और ये वाली जो है ना उसको भी मैं टर्न कर लेता हूँ। ये जब दूसरी साइड भी हो जाएगी तो इसको मैं डिश आउट कर लूंगा। ये देखें अब ये जलापीनो पॉपर्स जो हैं वो रेडी हैं। ये मेरे पास यहाँ पे डिश पड़ी हुई है, मैंने चूल्हे के ऊपर इसको रखा हुआ है। इसको हम करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमान। तो ये देखें जी जलपिनो पॉपर्स जो हैं वो तैयार हैं।
तो चैनल को लाइक कीजिएगा, रेसिपी अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इंशाल्लाह अगली रेसिपी में मुलाकात होगी।